आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पासिंग ऑफ इस पर्टिकुलर टर्म को समझेंगे। अक्सर आईपीआर के पेपर में पासिंग ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, राइट? तो क्या है पासिंग ऑफ और पासिंग ऑफ का मतलब क्या है, इसे हम समझेंगे। देखो, पासिंग ऑफ इट इज अ काइंड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये एक प्रकार का क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर हम पासिंग ऑफ को सिंपल वर्ड में समझें तो आप ये कह सकते हो कि जब एक सेलर अपने गुड्स को पास ऑफ कर देता है, व्हेन अ सेलर पासेस ऑफ यानी डिलीवर्स, जब वो अपने गुड्स को पास ऑफ करता है या डिलीवर करता है टू द कस्टमर को बाय अफिक्सिंग ट्रेडमार्क ऑफ अनदर ट्रेडर आगे है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो द एक्ट ऑफ दैट सेलर, उस सेलर का जो एक्ट है वो पासिंग ऑफ कहलाएगा। यानी सिंपल, प्रोड्यूसर ने या सेलर ने अपने गुड्स को ट्रांसफर किया, अपने गुड्स को पास ऑफ कर दिया, डिलीवर कर दिया किसे? कस्टमर को। उस पर्टिकुलर गुड्स पे किसी दूसरे सेलर के ट्रेडमार्क को अफिक्स करके, बाय अफिक्सिंग ट्रेडमार्क और लोगो ऑफ अनदर सेलर, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाए कि ये जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर सेलर का परचेज कर रहे हैं जिसका मार्केट में गुडविल है, जिसका मार्केट में ज़्यादा सेल है। तो उसके गुडविल को डिफीट करते हुए या उसके गुडविल का फ़ायदा उठाते हुए इस पर्टिकुलर सेलर ने क्या किया? अपने प्रोडक्ट के ऊपर उस पर्टिकुलर सेलर के ट्रेडमार्क को या लोगों को अफिक्स कर दिया, to take undue advantage, to create a kind of confusion in the minds of customers, इस particular activity को हम कहते हैं passing off, right? So passing off occurs when one party sells his goods and services by affixing another company's trademark on them. Passing off is confined to registered and unregistered trademark, symbols, signs and device. Passing off is an offense. Passing off kya hai? Ek offense hai, which is done by misrepresenting the goods and services for creating confusions in customer's mind, which affects the image or goodwill of original manufacturer. राइट? अब देखो, बेसिकली पासिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केसेस में देखा जाता है।
एक बार अगर सेलर ने अपने ट्रेडमार्क को या सर्विस होल्डर ने अपने ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत रजिस्टर्ड करा लिया है, तो उस मार्क को यूज़ करने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो उसी ट्रेडर को है, उसी सर्विस प्रोवाइडर को है। तो बेसिकली जब एक बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा लेता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत, और जब कोई थर्ड पर्सन उसके इन राइट्स का वॉयलेशन करता है तो वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। दैट पर्टिकुलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज नोन एज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अब इसमें क्या हो सकता है कि उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का आपने अपने गुड्स अपने सर्विस पर यूज कर लिया, अफिक्स कर लिया टू इंक्रीज सेल। तो ये प्रैक्टिस कहलाएगा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन अगर किसी सेलर का या किसी सर्विस प्रोवाइडर का जो ट्रेडमार्क है वो अनरजिस्टर्ड है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ। तो अगर किसी सेलर या सर्विस प्रोवाइडर का जो ट्रेडमार्क है वो अनरजिस्टर्ड है और कोई दूसरा सेलर अपने प्रोडक्ट पर उसके उस अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अफिक्स करता है टू इंक्रीज द सेल, दिस प्रैक्टिस इज नोन एज व्हाट? दिस प्रैक्टिस इज नोन एज पासिंग ऑफ। इसे हम क्या कहते हैं? पासिंग ऑफ कहते हैं। तो आई थिंक कि जो बेसिक डिफरेंस है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पासिंग ऑफ इन IPR इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। द लॉ ऑफ पासिंग ऑफ इज अ सिविल रॉन्ग, ये क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। ये एक सिविल रॉन्ग है और ये बहुत पहले से चला रहा है, एंशियंट टाइम से चला रहा है। व्हेन देयर वाज नो लॉ रिगार्डिंग ट्रेडमार्क पेटेंट एक्सेट्रा, ठीक है। हाउएवर द टर्म पासिंग ऑफ ऑफ ट्रेडमार्क इज नाउ कॉमनली यूज्ड इन रेफरेंस टू अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो ये जो पासिंग ऑफ है मेनली हम कहें तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केसेस में होता है। पासिंग ऑफ इज अ लीगल रेफरेंस फॉर व्हाट हैपेंस व्हेन एन इंडिविजुअल और बिजनेसमैन रिप्रेजेंट्स समवन्स एल्स गुड्स और सर्विसेज इन ऑर्डर टू ट्राई एंड पास देम ऑफ एज देयर ओन। तो वही बात है, बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर ने अपने गुड्स या अपने सर्विस के ऊपर किसी दूसरे बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर का ट्रेडमार्क जो कि अनरजिस्टर्ड था उसे अफिक्स कर दिया और उसे पास ऑफ कर दिया कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर्स को ये लगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं बिजनेसमैन या उन्हीं सर्विस प्रोवाइडर का है जिसे हम जानते हैं, जिसका प्रोडक्ट या जिसका सर्विस हम लेते हैं। So it is what? It is a kind of unfair trade practice which mainly happens in case of unregistered trademark. Ab dekho, Section 27 of Trademark Act 1999 kya kehta hai? No person shall be entitled to institute any proceedings to prevent or to recover damages फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। देखो, जब हमने बात किया था बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है? अगर आप अपने ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत रजिस्टर्ड करा लेते हो
तो इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट यू हैव लीगल राइट टू क्लेम डैमेजेस, टू क्लेम कॉम्पनसेशन, टू गो फॉर लीगल एक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजर. आप इन्फ्रिंजर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो. लेकिन सेक्शन 27 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 क्या कहता है? सेक्शन 27 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 ये कहता है कि अगर आपका ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, यानी आपने उसे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत रजिस्टर्ड नहीं कराया है, तो इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट यू कैनॉट टेक एनी लीगल एक्शन. आप उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क. नाउ एक केस है हमारे पास, पैरी वर्सेस ट्रूफिट. पैरी वर्सेस ट्रूफिट, PARRY पैरी वर्सेस ट्रूफिट. क्या था इस केस में? When the trademark has been registered by owner, जब ट्रेडमार्क ओनर के द्वारा रजिस्टर्ड करा लिया जाता है, एंड इन्फ्रिंजमेंट happens, और जब इन्फ्रिंजमेंट होता है, देन इट बिकम्स शूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट, तब वो सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट होता है. बट इफ ट्रेडमार्क हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाई ओनर एंड इन्फ्रिंजमेंट happens, इट बिकम्स केस ऑफ पासिंग ऑफ. वो पासिंग ऑफ का केस होता है. द प्रिंसिपल ऑफ पासिंग ऑफ, दैट इज नोबडी हैज राइट टू रिप्रेजेंट हिज गुड्स एज गुड्स ऑफ समबडी एल्स, वॉज डिसाइडेड इन द केस ऑफ पैरी वर्सेस ट्रूफिट. तो पैरी वर्सेस ट्रूफिट के केस में ये कहा गया कि जब बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को लेकर के एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा लेता है, और जब इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो वो पासिंग ऑफ कहलाएगा. जो प्रिंसिपल ऑफ पासिंग ऑफ है, दैट इज नोबडी हैज राइट टू रिप्रेजेंट हिज गुड्स एज गुड्स ऑफ समबडी एल्स, वॉज डिसाइडेड इन केस ऑफ पैरी वर्सेस ट्रूफिट. तो पैरी वर्सेस ट्रूफिट के केस में प्रिंसिपल ऑफ पासिंग ऑफ दिया गया, और ये कहा गया किसी भी पर्सन के पास ये राइट नहीं है, और ये लीगली रॉन्ग है कि वो उसके ट्रेडमार्क को या उसके गुड्स को अपना गुड्स कह के मिसरिप्रेजेंट करे, फिर चाहे उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो या ना हो. अब देखो, जब ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है, अब क्योंकि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप लॉफुल एक्शन ले सकते हो, यू कैन टेक लीगल एक्शन. लेकिन अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर पासिंग ऑफ का कंडीशन बनता है, तो इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ये प्रूफ करते हो कि उस पर्टिकुलर सेलर का ये एक्ट कि उसने अपने गुड्स या अपने सर्विस पर आपके ट्रेडमार्क का लोगो अफिक्स किया जो कि ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है, और इसके वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, तो ये आपके ऊपर है कि आप ये प्रूफ करोगे कि उसके उस पर्टिकुलर एक्ट के वजह से कस्टमर्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ जिससे आपको हैवी लॉस हुआ. ठीक है, तो ये था पूरा पासिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट. एक छोटा सा टॉपिक था जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करी. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़
चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं आईपीआर में, जैसे कॉपीराइट के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया था, अब इसके स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी को समझेंगे, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट को समझेंगे, मोड्स ऑफ असाइनमेंट हैं, कॉपीराइट असाइनमेंट और कॉपीराइट लाइसेंसिंग में क्या डिफरेंस है, कॉपीराइट सोसाइटीज़, और लास्ट में हम बात करेंगे जितने भी इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस हैं ओवर आईपीआर उनके बारे में, क्योंकि वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।